आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट अरसलान शिरा। हम सीख रहे हैं नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 5 की आज क्लास नंबर 12 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्टिंग रियल नंबर्स इनटू बाइनरी। अगर आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे, तो देखते हैं इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या वैल्यू है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमें यहाँ पे रियल नंबर की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 56.25 डेसिमल की वैल्यू इंटू बाइनरी। अब यहाँ पे ये वैल्यू डेसिमल की ही है, ठीक है। अब इसके साथ डेसिमल लिखा हुआ आप देखकर शायद कंफ्यूज हो जाए कि ऊपर रियल नंबर और नीचे हमारे साथ डेसिमल क्यों इसे कहा गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन की पहले वजाहत कर लूँ, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तब तक तो आप उसका आंसर किस तरह से निकालेंगे। तो बेसिकली जो रियल नंबर्स होते हैं, ये क्या होता है कि ये पॉइंट और पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू दोनों को एक ही क्वेश्चन में अगर मर्ज कर दिया जाए तो उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। बेसिकली अगर आपने प्रीवियस दोनों क्लासेस देखी हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास क्लास नंबर 10 थी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू थी 27, सिर्फ 27, ठीक है, जिसे कि हमने डेसिमल कहा और उसको कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। उससे जो अगली क्लास थी, जो कि क्लास नंबर 11 थी, उसके अंदर हमारे पास वैल्यू थी 0.56, ठीक है, 0.56, जिसे कि हमने फ्रैक्शनल डेसिमल कहा और उसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर। लेकिन अगर ये आप देखें वैल्यू, तो ये वैल्यू क्लास नंबर 10 और क्लास नंबर 11 दोनों वैल्यूज का मर्ज है, यानी कि इसके अंदर 56 हमारे पास 27 के बराबर है और 0.56, ठीक है, वो हमारे पास 0.25 के लेवल का है, ठीक है। यानी कि यहाँ ना तो हमारे पास यहाँ पे अकेली वैल्यू है और ना ही हमारे पास 0. कुछ वाली वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 0.25 की जगह 56.25 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, द कन्वर्ट दिस रियल नंबर वो इंडिपेंडेंटली कन्वर्ट द इंटीग्रल पार्ट 56 एंड द फ्रैक्शनल पार्ट 0.25 इनटू बाइनरी बाय यूजिंग द प्रोसेस गिव अबव, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज के अंदर से आप डेसिमल और फ्रैक्शनल डेसिमल दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है 56, ठीक है, वो आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाती है, डेसिमल की वैल्यू, ठीक है। तो उसको आप 56 को अलग कर देंगे और 0.25, क्योंकि 0.25 लिखें या 0.25 लिखें बात तो एक ही है, ठीक है। 0.25 ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। काम सारा आपने वही करना है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करना आता है बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन देकर। तो ये क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या करना है कि 56 को अलग कर लेना है और 0.25 को अलग कर लेना है, उनको अलग अलग ही सोल्व करना है। तो 56 हमारे पास डेसिमल की वैल्यू है, ठीक है। तो जब हमारे पास अकेली डेसिमल की वैल्यू होती है और उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करवाना होता है, हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड, ठीक है। तो रिपीटेड डिवीजन मेथड को हम यूज करते हैं 56 के ऊपर, ठीक है, जो कि हमने क्लास नंबर 10 में भी सीखा है, ठीक है। अगर आपने इसके बारे में डिटेल से देखना है तो आप क्लास नंबर 10 को देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखी, ठीक है। नंबर के अंदर जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने अपने डेसिमल की वैल्यू लिख देनी है 56, और आप जो ये खाली बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे आपने 2 लिखना है। 2 क्यों लिखना है, क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी की जो बेस होती है वो होती है 2, ठीक है। अब 2 के टेबल में 56 आता है, ठीक है, ये देखिए, अगर आपके पास आता है तो ठीक है, नहीं तो उससे कोई छोटी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो 2 के टेबल में अगर 28 पे हम देखें तो हमारे पास 56 आता है, ठीक है, 2 28 56, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं बची, जिसकी वजह से रिमाइंडर में हम लिख देंगे 0। उसके बाद दोबारा फिर हम 2 लेंगे, 2 के टेबल में 28 हम देखेंगे तो ये 14 पे आ जाएगा, ठीक है, 2 1 2 और 2 4 8, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर रिमाइंडर 0 लगा देंगे, 2 2 7 14, और रिमाइंडर हमारे पास फिर 0 आ गया, 2 आ गया, 2 3 6, 7 नहीं आता, तो 2 3 6, जिसकी वजह से 1 बच गया, वो हम रिमाइंडर में लिख देंगे 2 2 1 2, 1 हमारे पास रिमाइंडर में आ गया, 2 और 2 0 और ये 1, ठीक है। व्यूअर्स, ये मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्लास नंबर 10 और 11 में जो इस क्लास में मैं दोनों चीजें कर रहा हूँ ये मैं पहले से डीपली बता चुका हूँ, ठीक है। ये इस क्लास में सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करने के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी 10 और 11, आप पहले उनको देख लीजिए, फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद ये एरो का आपको पता ही होगा, ठीक है, कि आपने इसकी वैल्यू जब लिखनी है वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखनी है, जो कि कुछ इस तरह से हो गए 56 इज इक्वल टू सबसे नीचे वाला जो जीरो है 0111000, साथ उसके बाइनरी को लगा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है 0.25, तो 0.25 के अंदर हम लोग कौन सी किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए आप इस तरह का चार्ट बनाएंगे जिसके अंदर पहली रो आप पहला कॉलम खाली छोड़ेंगे, अगले कॉलम के अंदर आप रिजल्ट लिखेंगे, उससे अगले कॉलम के अंदर फ्रैक्शन पार्ट लिखेंगे, उससे अगले कॉलम के अंदर आप इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो खाली वाला बॉक्स है उसके अंदर आपने 2 × 0.25 जो कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू आपने लैदा किया वो लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5। तो 5 हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू जो जीरो है उसको हम लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट के अंदर, ठीक है। और अब जो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हमारे पास 5 आया है उसको हम लगा देंगे 2 के साथ, 2 × 0.5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.0। तो हम लोग 0 को लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर और 1 को लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट के अंदर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया था कि हमने फ्रैक्शनल पार्ट को कहां तक सॉल्व करना है, क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 0, 5 के नीचे 0, तो 0 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0, जिसकी वजह से आगे ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं कहा, जबकि प्रीवियस क्लास में जब हमने देखा था क्लास नंबर 11 के अंदर, तो वहां पे उसने हमें कहा था कि आपने फ्रैक्शनल नंबर की इस वैल्यू को जो कि 0.56 थी इसको 6 डेसिमल तक आपने सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि वो 6 डेसिमल से आगे भी सोल्व हो रही थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 6 तक ही करना है सोल्व, ठीक है। लेकिन यहाँ उन्होंने क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं कहा, वो क्यों नहीं कहा वो आपको साफ पता चल गया, क्योंकि ये वैल्यू ही दूसरे डेसिमल पे जाके खत्म हो गई, ठीक है। तो इसके आंसर को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इन दोनों चीजों को वेवर्स आपने जरूर याद रखना है कि आपने जब भी रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है, तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ वैल्यू को लिखना है आंसर में, और जब भी आप फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल डेसिमल को यूज करेंगे, ठीक है, तो इस चार्ट के अंदर आपने ऊपर से नीचे की तरफ आना है, बस इन दोनों चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों चीजों को आपने क्लियर कर लेना, क्योंकि इसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है, आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम आंसर लिखेंगे हम लिखेंगे 0.25 इज इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ही पॉइंट वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट की वैल्यू को ही निकाला है, तो इसलिए हम लोग पॉइंट लगा के 0, 1 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 1 है, तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो 0 और 1 लिख दिया। पॉइंट हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने पॉइंट वाली वैल्यू को ही सोल्व किया है, ठीक है। तो अगर आप सोल्व पॉइंट वाली वैल्यू को करें तो उसके आंसर में भी आप पॉइंट जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अब आंसर लिखना है अपना, ठीक है, ये आंसर तो आपका निकला ना 56 और 0.25 का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारे पास 56.25 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 56.27 डेसिमल लिखेंगे, उसके आगे इज इक्वल टू लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाने के बाद जो आपके पास वैल्यू आई है 56, ठीक है, 56 की वैल्यू है 0111000, वो लिख देंगे, उसके बाद लगाएंगे आप पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट अब आपने पॉइंट का पॉइंट लगा दिया, उसके बाद आपने 25 की वैल्यू लिखनी है, 0.25 की वैल्यू आपके पास क्या है 0.01, तो 0.01 के साथ आपने बाइनरी लगा दिया। तो यहाँ पे अब हम लोग बड़े आसानी से ये कह सकते हैं कि 56.25 डेसिमल इज इक्वल टू 0111000.01 बाइनरी, ठीक है। तो वैसे मेरे ख्याल से आपकी ये भी कंफ्यूजन जहां तक हो सकता था मैं आपसे मैंने कंफर्म कर दी कि आप कितना से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी तरह का कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर दिया कीजिए, इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको कमेंट का जवाब दे दूंगा। अक्सर तो मैं कमेंट का जवाब तकरीबन चंद घंटों के अंदर अंदर दे देता हूँ, उसी दिन दे देता हूँ जिस दिन आपका कमेंट आता है, ठीक है, और कभी मसरूफियत की वजह से अगर लेट हो भी जाए तो उसके लिए माजरत है, ठीक है। और कुछ लोगों ने कमेंट्स नीचे किए हुए थे कि क्या ये आखिरी क्लास है, क्लास नंबर 9 या 10 के ऊपर शायद उन्होंने कमेंट किए हुए थे कि क्या आखिरी क्लास है, ठीक है, इस लेक्चर इस चैप्टर की। तो व्यूअर्स इस चैप्टर के भी काफ़ी क्लासेस आगे आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है, और आपको पता है कि हम लोग जो हमारी इस बुक के अंदर है 1 by 1 लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके कंप्यूटर के बुक के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो इसलिए मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी कि मैं किसी भी चीज़ को इस बुक के अंदर ना छोड़ूं, ताकि जब आप ये लेक्चर्स, ठीक है, मेरे इस कोर्स को आप देखें तो आपको पूरी की पूरी बुक समझ में आ जाएगी, पूरी की पूरी बुक कंप्यूटर की है क्या, ठीक है।
क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में शायद यही होगा कि मैं जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेन मेन टॉपिक्स डिस्कस नहीं कर रहा, मैं लाइन टू लाइन चल रहा हूँ, ठीक है। यानी कि हर एक टॉपिक को टच कर रहा हूँ, हर एक जो उसके अंदर दिया गया है हमारी बुक के अंदर, ठीक है, वन बाय वन उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 के ऊपर नजर एक दफा उसे देखेंगे, अगर आपने जितने चैप्टर नंबर 5 को, तो आपको अंदाजा खुद हो जाएगा कि आगे इसकी कितनी क्लासेस और आ सकती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ व्यूअर्स आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th और 10th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।